Hello students, welcome back, and this is the video of class 7 science. And today in this video I'm going to start chapter 3, and the name of the chapter is fiber to fabric. So first of all, we will know that what are the learning objective of this chapter. So after completion of the chapter, you will be able to define fiber and fabric, and you can differentiate between natural and synthetic fiber, and you will understand the rearing and breeding of the sheep, and describe the processing of wool, how the wool are formed, and you will know the life history of silkworm and what is sericulture. Then after, you will learn about the different varieties of silk, and after that, at the end, you will enlist the diseases that affect the worker in the sericulture industry. So these are the learning objective that we will achieve after the completion of subject. So chapter. So let's start the chapter. As you know, we wear the clothes to protect our body from heat, cold, dust, and etc. It is the basic need of our life. Clothes are made up from fiber, which is a long, strong, and flexible thread-like arrangement. Fibers which are obtained from plant or animal are termed as natural fiber, and the one which are man-made are known as synthetic fiber. सो आप जानते हैं कि हम जो है हीट, कोल्ड, डस्ट, इंसेक्ट से बचने के लिए क्या करते हैं, हम क्लोथ्स पहनते हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है. और क्लोथ्स जो है हमारी लाइफ का बेसिक नीड है, एक बहुत ही बेसिक सी ज़रूरत है हमारे लिए. एंड कोई भी क्लोथ है जो अगर आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, देन यू विल फाइंड ऑल द क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ फाइबर. तो फाइबर क्या होता है, इट इज़ अ लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम थ्रेड फाइबर बोलते हैं. एंड फाइबर को हम ऑब्टेन कर सकते हैं प्लांट और एनिमल से, और हम मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल इन द फैक्ट्रीज. तो जो भी फाइबर हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर. एंड जो भी मैन मेड फाइबर होते हैं, मतलब कि जो केमिकल से हम फैक्ट्रीज में बनाते हैं, उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं. सो यू कैन से दैट फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप, नेचुरल फाइबर एंड मैन मेड फाइबर. ओके, नेचुरल फाइबर्स आर द दोज फाइबर विच वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स, विच वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, एंड द फाइबर विच वी गेट, विच वी मेक बाय द केमिकल्स इन द फैक्ट्रीज, दैट आर कॉल्ड मैन मेड फाइबर, लाइक नाइलॉन एंड पॉलिएस्टर. एंड नेचुरल फाइबर में आप जानते हैं कि जो हमें प्लांट से मिलता है, जैसे कॉटन है, जूट है, ये जो फाइबर्स होते हैं उनको नेचुरल फाइबर हम कहते हैं. और कुछ फाइबर हमें एनिमल से भी मिलते हैं, जिनको हम जैसे कि वूल है, सिल्क है. तो यहाँ पे इन दिस चैप्टर आपको एनिमल फाइबर के बारे में पढ़ना है. तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टडी अबाउट द वूल. वूल के बारे में आपको पढ़ना है कि वूल क्या है, एक नेचुरल फाइबर है. और ये हमें कहाँ से मिलता है, फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस फाइबर. सो एज़ यू नो, दीज फाइबर्स वी गेट फ्रॉम शीप, गोट, यॉर्क, रैबिट, अल्पाका, कैमल एंड लामा. ठीक है, इन सब के हेयर से हमें मिलता है, फर से हमें मिलता है वूल. एंड क्योंकि ये जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, दे हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी टू कीप देम वार्म ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर सीजन. क्योंकि इनकी बॉडी पर थिक कोट ऑफ हेयर होता है, और इस हेयर की हेल्प से वो अपने आप को गर्म रखते हैं विंटर सीज़न में. तो इन्हीं के हेयर से हम क्या करते हैं, हम वूल के फाइबर्स बनाते हैं. ठीक है, ज़्यादातर जो वूल के फाइबर होते हैं वो हमें शीप से मिलते हैं, भेड़ों से मिलते हैं, लेकिन हम याक वूल का भी इस्तेमाल करते हैं हिली रीजन, जैसे कि तिब्बत एंड लद्दाख में. मोहैर नाम का एक फाइबर है जो हमें ऑप्टेन होता है अंगोरा गोट से, जो हमें हिली रीजन जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है. एंड कश्मीरी गोट के जो अंडर फर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, और इसको हम यूज़ करते हैं टू वीव फाइन शॉल कॉल्ड पश्मीना शॉल, दैट इज़ वेरी फेमस, दैट वी गेट फ्रॉम द कश्मीरी गोट. एंड वूल क्या है, मॉडिफाइड हेयर फाइबर है, जो कि फर्स्ट मेड फ्रॉम इनर कोट ऑफ वाइल्ड शीप फ्रॉम सेंट्रल एशिया, जो सबसे पहले हमें सेंट्रल एशिया में सबसे पहले बनाया गया था. वाइल्ड शीप जो होती है उसके इनर कोट में जो फाइन फाइबर होते हैं उनसे बनाया गया था. एंड
The wool fiber has been in use since the time people used stone knives for removing the hair coat of sheep. And wool जो है वो बहुत पहले से हम इस्तेमाल करते हैं. In the beginning, the outer coat of the sheep that was coarser was also spun. क्योंकि इनके बालों में जो ये शीप के बाल होते हैं वो दो तरीके के होते हैं. एक फाइन होते हैं जो अंडर कोट होते हैं, अंदर की तरफ पाए जाते हैं, और कुछ होते हैं बाहर की तरफ जो कोर्स होते हैं, ज़्यादा टफ एंड कोर्स होते हैं. तो हम कोर्स हेयर भी पहले यूज़ करते थे वूल बनाने के लिए. बट सेलेक्टिव ब्रीडिंग हैज़ प्रोड्यूस शीप विद इनर फाइबर. आजकल जो है हम इनर फाइबर का इस्तेमाल करते हैं और ब्रीडिंग के ज़रिए हम इनर फाइबर का प्रोड्यूस करके वूल बनाते हैं, फाइन एंड सॉफ्ट एंड स्मूथ वूल. एंड दीज आर सम एनिमल्स दैट गिव द वूल. दिस इज़ लामा, दिस इज़ अल्पाका, दिस इज़ शीप एंड दिस इज़ अयॉक. इनके हेयर का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, वूल प्रोड्यूस करते हैं. नाउ वी विल सी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वूल. वूल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. देयर आर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ वूल एंड दैट इज़ मेक इट यूज़फुल एज अ नेचुरल फाइबर. पहला क्या, सन सेफ. वूल जो है हमें सन की यूवी प्रोटेक्शन से, अल्ट्रावायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है. फ्लेम रिटार्डेंट वूल फाइबर जो है वो जल्दी जल्दी बर्न नहीं होता है. एंड 6000 डिग्री सेल्सियस तक ये फ्लेम को, हीट को ये बेयर कर सकता है. एंड ये फ्लेम रिटार्डेंट मीन्स वूल फाइबर हैज़ हायर इग्निशन थ्रेशोल्ड दैन मेनी अदर फाइबर एंड इज़ फ्लेम रिटार्डेंट अप टू 600 डिग्री सेल्सियस तक की हीट को ये बियर कर सकता है. एंड इट ऑल्सो प्रोड्यूस लेस टॉक्सिक फ्यूम इन फायर. बायोडिग्रेडेबल होता है, इसको नेचुरली इसको हम डिग्रेड कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं. ब्रीदेबल होता है, इसको पहनने से हमें सफोकेशन नहीं फील होता है. एंड इट कीप्स यू वार्म इन विंटर, कूल इन समर. एंड नॉन एलर्जिक, इससे हमारे स्किन पे कोई एलर्जी नहीं होती है. एंड डबल इलास्टिक होता है, इसके अंदर इलास्टिसिटी होती है. एंड इट कवर द इट कैन बी केयर वेरी ईजिली. इसको आसानी से आप इसका रख रखाव कर सकते हैं, मशीन से भी वॉश कर सकते हैं, हैंड से भी वॉश कर सकते हैं. डर्ट और ग्रीस से भी ये क्या होता है, रेजिस्ट करता है, ज़्यादा गंदा नहीं होता है. एंड ईजी टू स्पन, इसको आसानी से हम बुन कर क्लोथ्स बना सकते हैं. नाउ वी विल सी द यूज़ ऑफ वूल, हाउ द वूल आर यूज्ड. Now the wool is used to make sweater, shawl that keep us warm in winter. आप जानते हैं ज़्यादातर हम wool को as a winter clothes की तरह इस्तेमाल करते हैं, shawl, sweater, अपने आप को गर्म करने के लिए. And it is used to make blanket, upholstery and carpet also. इसको हम carpet, upholstery and blanket को बनाने में भी use कर सकते हैं. And it is also used in soundproofing के लिए भी use कर सकते हैं, क्योंकि ये sound energy को absorb कर लेता है. And in the next video we'll talk about the rearing and breeding of sheep. And for this video this is all, and see you in the next video. Thank you everyone.